हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में काउमॉक्स ड्राई सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। काउमॉक्स ड्राई सिरप का मुख्यतः तो उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक सिरप है। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। यह सिरप कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इस सिरप के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस सिरप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको स्टूडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लिफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी का ये 30 ml का सिरप आपको मेडिकल स्टोर पर 60 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। यह सिरप खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाला सिरप है। बात करते हैं इस सिरप में मौजूद कंटेंट के बारे में। काउमॉक्स ड्राई सिरप में एमोक्सिसिलिन IP 200 mg, क्लेवरेनिक एसिड IP 28.5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एमोक्सिसिलिन यह एक एंटीबायोटिक ड्रग के क्लास में आता है। यह बैक्टीरिया के सेल वॉल पर हमला करके बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। यह ड्रग सेल वॉल में तैयार होने वाले पेप्टिडोग्लाइकेन को तैयार होने से रोकता है, जो बैक्टीरिया के लिए जरूरी होता है। क्लेवरेनिक एसिड यह एक बीटा लैक्टमस इनहिबिटर ड्रग है। क्लेवरेनिक एसिड एंटीबायोटिक के पावर को खत्म करने वाले एंजाइम को रोकने का काम करता है। बात करते हैं इस सिरप के यूजर्स के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप का मुख्यतः तो उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। इसे कान का इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस सिरप का उपयोग निमोनिया की समस्या, टॉन्सिल की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल UTI इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। UTI इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसे स्किन इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस सिरप का उपयोग गले का इन्फेक्शन होने की समस्या, जोड़ों में इन्फेक्शन होने की समस्या, साइनस, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पर करते। बात करते हैं सिरप के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस सिरप का डोस उनसे निश्चित कर ले। याद रखें दोस्तों, इस सिरप का डोस आपके बच्चे के वजन पर निर्धारित रहता है। यदि आपके बच्चे का वजन ज्यादा हो तो इस सिरप का डोस भी ज्यादा होगा। यदि आपके बच्चे का वजन कम हो तो इस सिरप का डोस भी कम होगा। इसलिए आप अपने बच्चे का डोस अपने डॉक्टर से निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न दे। 2 से 5 साल के उम्र के बच्चों को 2.5 ml 2 से 3 बार आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार यह सिरप दे सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस सिरप के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपके बच्चों को इस सिरप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी, तो उन्हें बताया गया कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें बताया गया कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस सिरप के इस्तेमाल से उन्हें उल्टी, मितली, दस्त, मुंह में छाले आना, बदन दर्द, सिर दर्द, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस सिरप को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपके बच्चों को इस सिरप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर उन्हें इस सिरप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है, तो आप इस सिरप का यूज ना करें। अगर आप अपने बच्चों को पहले से ही कोई अन्य एंटीबायोटिक टैबलेट सिरप दे रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस सिरप का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपके बच्चे को लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस सिरप को पानी में मिलाने के 7 दिन के अंदर इसे यूज करें। इसे पानी में मिलाने के 7 दिन के बाद इस सिरप का यूज न करें। इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले इस सिरप को अच्छी तरह से शेक करें, इसे अच्छी तरह से हिलाए और बाद में ही अपने बच्चों को दे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।